हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने है न लेक्चर टू में uh, देखा था कि कैसे यूनिट uh, सेल्स के बेसिक्स की जानकारी हम लोगों ने मैंने आप लोगों को दी थी ठीक है कि बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है क्यूब के अंदर कितने एजेस होते हैं कितने फेसेस होते हैं इस सब 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 चीज़ों की जानकारी दी थी इस लेक्चर लेक्चर थ्री में अब हम लोग डिटेल्ड बातचीत करेंगे यूनिट सेल्स की ठीक है मैं आपको बता दूँ कि आगे सॉलिड स्टेट के में मुझे करना क्या है ठीक है तो हमारा एजेंडा क्या है हमारा एजेंडा यह रहेगा कि मैं आपको एटॉमिक क्रिस्टल्स पढ़ाऊंगा ठीक है एटॉमिक क्रिस्टल्स पढ़ाऊंगा जो कि एटम्स से बने हुए क्रिस्टल्स हैं इसमें भी हम लोग एस सी सी बी सी सी एफ सी सी और हेक्सागोनल यूनिट सेल एच यूसी की बात करेंगे ठीक है लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इस चैप्टर में मैं आपको आयनिक क्रिस्टल्स की बात करूंगा आयनिक क्रिस्टल्स की बात करूँगा आयनिक क्रिस्टल्स में हम लोग सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर एन एस सी एल टाइप एन एस सी एल टाइप सी एस सी एल टाइप जिंक ब्लेंड टाइप एंटीफ्लोराइड टाइप फ्लोराइड टाइप इन सब की बातें करेंगे और लास्ट पार्ट इस चैप्टर के लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर्स में चैप्टर में हम लोग है ना सॉलिड्स में

वो एटम्स से बने होते हैं जबकि आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आयंस से बने होते हैं यानी कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं ठीक है तो आइए एटॉमिक क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स किसे कहते हैं एटॉमिक क्रिस्टल्स सिर्फ एटम से बने होते हैं ना आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ एटम्स सिर्फ और सिर्फ एटम्स से बने होते हैं ठीक है अच्छा इसमें सबसे पहली चीज क्या सिंपल क्यूबिक पढ़ा जाए ठीक है सिंपल क्यूबिक पढ़ा जाए तो मैं लगभग छह सात बातों पे बातचीत करूंगा पहला डेफिनेशन ठीक है परिभाषा क्या होगी सिंपल क्यूबिक कैसे होते हैं अगर आप देखिए तो रियल स्ट्रक्चरिंग का ऐसे होता है क्या कि एक एटम ले लीजिए दूसरा एटम ले लीजिए इसके ऊपर इसके पीछे एक एटम ले लीजिए इसके पीछे एक एटम ले लीजिए इसके ऊपर एक आइटम ले लीजिए इसके ऊपर एक आटम ले लिया इसके पीछे एक आटम और इसके पीछे एक आइटम ठीक है इसको मिटा दीजिए तो ये आपका एक सिंपल क्यूबिक कहलाता है अगर आप इस सिंपल क्यूबिक के सारे सेंटर्स को जोड़ेंगे जोड़ेंगे ऐसे तो अगर मान लीजिए पीछे वाले का भी सेंटर यहाँ है पीछे वाले का सेंटर यहाँ है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इन सब के जो सेंटर्स हैं वो एक क्यूब पे आ रहे हैं ठीक है एक क्यूब पे आ रहे हैं ठीक है ऐसा लगेगा अब इसी को जब ये छोटे हो जाते हैं तो उसको बॉल स्टिक मॉडल कहते हैं ठीक है कि अगर आप जो है यही यही लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक है तो अगर कोई आपसे कहे कि इसकी क्या, इसका क्या डेफिनेशन होगा तो आप देख सकते दे सकते हैं डेफिनेशन क्या वन एटम एट ईच कॉर्नर ठीक है वन एटम एट ईच कॉर्नर हर कोने पर एक एटम होगा ठीक है हर कोने पे एक एटम पाया जाएगा सेकेंड चीज क्या हर दो अगल बगल कोने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे यानी दो एडजेसेंट एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे एडजेसेंट एडजेसेंट एटम्स टच ईच अदर ठीक है टच ईच अदर ठीक है तो एडजस्टिडम जो हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं यहां पर ठीक है आ, तो क्या डेफिनेशन हो गया सिंपल क्यूबिक का हर कोने पर एक ऐटम होना चाहिए ठीक है किसी भी क्यूब के और अगल बगल के दोनों ऐटम एक दूसरे को टच करेंगे ध्यान दीजिएगा ये इसको ये भी टच करता है इसको ये भी टच करता है पर इसको ये टच नहीं करेगा यानी है ना ये इसको टच करता है इसको टच करता है पर उसको टच नहीं करेगा एडजस्टिड मतलब अगल बगल वाले एटम जो है टच करते हैं दूसरी बात क्या अगली चीज अगली चीज ये कि आप आप रेडियस कैसे निकालते हैं अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है रेडियस तो आपको पता है कि अगर मैं चलिए मैं इनको बोल्ड लाइन से बना देता हूँ अगर मैं इनको बोल्ड लाइन से बनाऊ ऐसे तो आप देख सकते हैं कि ये A कहलाता है यूनिट सेल का इसको ए कहते हैं यूनिट सेल का ए हो गया आप देख सकते हैं ये आर है ये आर है ठीक है रेडियस आर आर है यानी आप कह सकते हैं टू आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू ए बाई टू ठीक है ना? R A 2. तो दूसरी परिभाषा क्या होगी टू आर इज ए आर इज इक्वल टू ए बाई टू यानी रेडियस कितना होगा हाफ ऑफ द यूनिट सेल का एज लेंथ ठीक है तो पहली चीज डेफिनेशन हो गया दूसरी चीज रेडियस हो गया तीसरी चीज क्या पूछी जाती है जेड z पूछा जाता है तीसरी चीज z इज नंबर ऑफ एटम्स एटम्स पर यूनिट सेल ठीक है पर यूनिट सेल इसको भी समझा जाए एक काम करते हैं आप आप इस इसको इसको ले लीजिए ठीक है और इसके ऐसे इसको ऐसे स्लाइस करिए ऐसे ऊपर वाले छत और जमीन को स्लाइस कर दीजिए ये दो दीवारों को स्लाइस कर दीजिए ऐसे स्लाइस कर दीजिए अब जो मिलेगा वो z है है ना अब वो z रिप्रेजेंट करेगा यानी क्या अगर आप ऐसे ले लीजिए और ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा अगर आप स्लाइस कर देंगे तो ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा ठीक है ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा अगर आप स्लाइस कर देंगे ऐसा कुछ ये ये अपर सरफेस छत की सरफेस हो गई ठीक है ये इस तरफ की दीवार की सरफेस हो गया का सरफेस हो गया और ये इधर वाले दीवार का सरफेस हो गया अब आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं Z रिप्रेजेंट कर रहा है Z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी इस एक यूनिट सेल के अंदर कितने atoms हैं ये हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं है ना आपको जान, आप जानते हैं कल लेक्चर नंबर टू में मैंने पढ़ाया था कि हर कोने वाला एटम वन बाई एट कॉन्ट्रीब्यूट करता है ठीक है one by eight contribute करता है यूनिट सेल को यानी आप कह सकते हैं कि इसमें इस, इसके अंदर कितने एटम है तो आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू हर कोने वाला वन बाई एट कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऐसे कितने कोने होंगे एक दो तीन चार पांच सात और एक पीछे है, आट, है? कोने हो जाएंगे. आप, आप मिलाते लगेंगे तो ऐसा ऐसा महसूस करेंगे आप इस वन इस का मतलब क्या है ऐसा महसूस करेंगे जैसे इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली एक एटम बड़ा सा रखा हुआ है ठीक है एक एटम इसके अंदर है Z यही बताता है ठीक है तो Z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ठीक है चौथी बात क्या चौथी चीज Z भी आ गया डेफिनेशन भी दे दिया रेडियस भी दे दिया, बता दिया मैंने अगली चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कैसे निकलेगा कॉर्डेशन नंबर मीन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ठीक है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने पड़ोसी हैं जो नियरेस्ट हैं ठीक है नियरेस्ट नेबर्स आइए निकाला जाए तो एक काम करते हैं नंबर ऑफ या टाइप ऑफ नेबर्स लिख सकते हैं यहां पे एक टेबल बना टाइप ऑफ नेबर डिस्टेंस एंड नंबर ठीक है ऐसे कितने नंबर है अगर मैं पहले टाइप ऑफ नेबर बताऊं नियरस्ट ठीक है? है ना नियरेस्ट नेबर कितने होंगे तो आइए देखते हैं अगर मैं इस एटम को की ऐटम मानता हूं तो इसके नियरेस्ट एटम कितने होंगे कितना है मुझे ये तो रहा नियरेस्ट है ठीक है आप देख सकते हैं ये आइटम नियरेस्ट है ये इसके सबसे क्लोज है कितनी दूरी है ना ए है, ठीक है a दूरी है तो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस कितना है a है ऐसे कितने लोग होंगे तो अगर जिसने जिसने भी लेक्चर 2 पढ़ा है उसे याद होगा कि मैंने कल पढ़ाया था कि एक कोने से छह एज्स पास करते हैं ठीक है एक कोने से छह एज्स पास करते हैं हर एज के एंड पर एक एटम होगा जो इसका नियरेस्ट एटम होगा ठीक है एंड a एक यहां होगा एक यहां होगा ठीक है यानी मैं कह सकता हूं कि अगर आप नियरेस्ट एटम की बात करिए तो इस काले वाले एटम के नियरेस्ट कितने हो हो जाएंगे? Six, six हो जाएंगे। मैं एक तरीका बताता हूं आपको कैसे नियरेस्ट एटम कैलकुलेट किए जाते हैं आपको करना क्या है हमेशा पता लगाइए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हैं हमेशा पता लगाइए कि एक के नियरेस्ट कोई एक नियरेस्ट कहां पे है ठीक है हमेशा पता लगाइए कि एक नियरेस्ट कहां पे है जैसे इसका एक नियरेस्ट एक एज पर एक था एक कोने के अबाउट कितने एजेस पास करते हैं छो छे, पे एक एक होगा समझ में आ रही बात पे एक एक होगा ऐसे ही हो सकता है कि कोई एक एक फेस पर इकलौता हो हमेशा पता लगाइए कि इकलौता कहां है कोई चीज जैसे नियरेस्ट इकलौता कहा है एक कहाँ है एज पर एक है तो एक कोने के अबाउट एजेस हो गए सब पे एक एक हो गया अगर नेक्स्ट नियरेस्ट एक फेस पर एक है तो एक कोने के अबाउट बारह फेसेस में मैंने पढ़ाया था ठीक है अभी मैं दिखाता आइए चीज़ करते समझ में आएगा। next nearest. Next nearest कितने होंगे? चेक किया जाए। तो बच्चों नेक्स्ट नियरेस्ट की जहां तक बात आती है मुझे लगता है कि नेक्स्ट नियरेस्ट जो है ये काला वाला ये ये ये, ये, ये ब्लू वाला होगा ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी दूरी कल हम लोगों ने बताया था फेस डायगनल की दूरी कितनी होती है है ना रूट टू ए होती है ठीक है ये नेक्स्ट नियरेस्ट एटम है अब मुझे पता लगाना है कि ऐसे कितने नेक्स्ट नियरेस्ट होंगे ठीक है जो कि दूरी कितनी है इसकी इसकी दूरी है रूट टू ए कितने होंगे तो मैंने हमेशा कहा पता लगाइए कि एक कहां पे है ठीक है तो मैं देख पा रहा हूं एक फेस पर एक है एक फेस पर एक है एक कोने के अबाउट कितने फेसेस होते हैं बारह फेसेस होते हैं कल मैंने ये बात पढ़ाई थी बारह फेसेस कैसे होते हैं ठीक है मैं बताता हूं आपको ऐसे चार दीवारें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो एक कोना होता है उसके ऊपर चार छत होते हैं उनका ये बीच वाला कोना होता है और उस छत के ऊपर जो चार दीवारें होती हैं उनका नीचे वाला कोना होता है यानी अगर एक कोने की बात करिए एक कॉर्नर की बात करिए तो एक कॉर्नर को बारह फेसेस टच करते हैं ये दो हो जाएंगे तीन, चार, चार दीवारें फिर चार छत एक छत 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 दो तीन तीन चार छत ऐसे हो गया चार छत और फिर इसके ऊपर चार दीवारें ये वाला जो ब्लू है वो यहाँ पे है ठीक है ये वाला जो ब्लू है वो यहाँ पे है रूट टू एक दो यहां भी होगा तीन यहाँ भी होगा चार इस दीवार पे भी होगा पांच इस दीवार पे भी होगा छह इस दीवार पे भी होगा सात पीछे वाली दीवार तो और इसके ऊपर भी दीवारें हैं चार दीवारें हैं ऐसे ठीक है ऐसे तो मैं कह सकता हूं है ना कि लेक्चर नंबर टू में मैंने पढ़ाया था कि एक कोने के अबाउट बारह फेसेस होते हैं चार दीवारें चार छत उसके ऊपर चार दीवारें सब अगर एक फेस पर एक है तो एक कोने के अबाउट अगर बारह फेसेस है तो बारहों में एक एक हो होगा समझ बात यानी मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितने हो जाएंगे इनका डिस्टेंस रूट टू ए है और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी है ना ट्वेल्व हो जाएगी एट ईच फेस एंड आर फेसेस कॉमन टू अ कॉर्नर कॉमन टू अ कॉर्नर तो आइए मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया ठीक है ऐसे यहां पे वन एट ईच एज सेंटर सेंटर एंड देयर आर सॉरी वन एट ईच एज एंड हर एज के एंड पे है एंड देयर आर सिक्स एजेस विच पास थ्रू अ कॉर्नर पास थ्रू अ कॉर्नर ठीक है छे एजेस हैं जो एक कॉर्नर से पास करते हैं आखिरी चीज एक और बात की जाए चेक किया जाए अगर मैं कहूं कि हाउ मेनी नेक्स्ट नेक्स्ट टू नियरेस्ट एटम होंगे ठीक है अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कितने होंगे ये भी निकाला जा सकता है अब देखिए अगर मैं यहां पर नेक्स्ट नियरेस्ट जिसको मैं एन एन कह रहा हूं देखू ये भी रूट टू एप है ये भी ब्लू वाला हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट टू नेक्स्ट है ना और मेरे को लगता है ये भी रूट टू है ये वाला भी रूट टू ए पे है ये वाला ये वाला भी रूट टू ए पे है जो सबसे ज्यादा अब दूर पाया जाएगा है ना कितनी दूरी होगी इसकी रूट थ्री ए है, है ना? रूट थ्री ए होगा इसकी दूरी रूट थ्री होगा ये जो है एक्चुअली नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट है ठीक है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट की दूरी हो जाएगी रूट थ्री ए और ऐसे कितने लोग होंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे क्यूब में ये अकेला है ठीक है एक कोने के अबाउट कितने क्यूब होते हैं आठ ठीक है आठ क्यूब होते हैं एक कोने के अबाउट आठ क्यूब होते हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ अगर एक क्यूब में एक है तो आठों क्यूब के बॉडी डायग्नल पे एक एक होगा के एंड पे एक एक होगा बात समझ में आ रही है ठीक है यानी टोटल कितने हो जाएंगे आपके है ना ऐसे कितने हो जाएंगे अगर एक कोने एक क्यूब में एक है एक कोने के अबाउट आठ क्यूब होंगे आठों में एक एक होगा यानी ऐसे लोगों की संख्या एट हो जाएगी एट वन एट इन ईच क्यूब एंड देयर आर एट क्यूब कॉमन टू कॉर्नर ठीक है आठ क्यूब कॉमन होते हैं एक आठ क्यूब का एक कोना कॉमन होता है ठीक है तो यहां पर मैंने आपको चार बातें बता दी ठीक है कौन कौन सी बात बताई पहली बात बताया कि डेफिनेशन क्या होगा मैंने कहा डेफिनेशन क्या होगा हर कोने पे एक एटम हो सेकेंड चीज हर अगल बगल वाले एक दूसरे को टच करते हैं रेडियस भी निकाला जेड निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला आइए अगली चीज जो हमें निकालनी है वो है पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है और कितना वॉल्यूम अवेलेबल है जैसे ये एक क्यूब ले लो इस क्यूब को ले लो वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल अवेलेबल मतलब क्या मैं समझाता हूं मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है जिसमें जिसका कैपेसिटी 10 लीटर है अगर आप उसमें पांच लीटर पानी भरते हैं तो आप लिखेंगे उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा पांच बटा दस यानी कितना पॉइंट फाइव ठीक है कितनी जगह अवेलेबल है और कितनी जगह आपने क्या कर रखी है ऑक्यूपाई कर रखी है इनके रेशियो को आप क्या कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं तो आप एक पैकिंग फ्रैक्शन क्यूब के लिए भी निकाल सकते हैं ठीक है आइए ये एक क्यूब है इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं इसका कितना वॉल्यूम अवेलेबल है आप निकाल सकते हैं बिल्कुल बड़े आराम से लेंथ तिन ब्रेथ ब्रेड

फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी हम लोगों ने देखा ए की वैल्यू कितनी है टू आर तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी एट आर क्यूब ठीक है एट आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा वन टू कितना पाई बाय सिक्स यानी जीरो पॉइंट फाइव टू यानी मैं कह सकता हूं कि है ना अगर पैकिंग फ्रैक्शन जीरो पॉइंट फाइव टू है तो इसमें हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आ जाएगी यानी कितनी प्रतिशत जगह इसमें भरी हुई है भरी हुई है ना परसेंटेज ऑक्यूपेंसी हो तो कितनी जगह खाली है? मैं निकाल सकता हूं, 48 है तो ये पांचवी चीज मुझे अभी सीखने को मिली सिक्स और लास्ट चीज जो मुझे आज सीखनी सेल इस, इस में वो है इसका इसकी डेंसिटी ठीक है आप इसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं कैसे डेंसिटी इज टू मास मास डिवाइड डिवाइड वॉल्यूम वॉल्यूम इसका तो अगर एक पूरे पूरे लैटिस का आप डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी वही होगी जो उसके एक यूनिट सेल की होगी ठीक है उसके एक यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वही उस पूरे लैटिस की डेंसिटी होगी तो एक यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकलेगी एक यूनिट सेल का मास में जो मास है यानी कितने का कितने स्फीयर का मास एक स्फीयर का मास क्यों क्योंकि इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली एक स्फीयर है तो मैं कह सकता हूं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम मास कितना है 1 मास ऑफ सिंगल एटम और कितना वॉल्यूम इस स्फीयर इसने घेर रखा है इसने कितना वॉल्यूम घेर रखा है लेंथ ब्रथ हाइट कितना आ जाएगा एक क्यूब अब मास ऑफ सिंगल एटम एक सिंगल एटम का मास कैसे निकाला जाए हमें मालूम है कि मॉलिक्यूलर वेट जितना होता है एक मॉलिक्यूलर वेट बराबर जितना वेट होता है उसमें एक मोल एटम होते हैं Na तो उल्टा कर लो कहीं पे अगर Na एटम मिलते हैं तो इसका मतलब उसमें उसका मॉलिक्यूलर वेट बराबर वेट होगा m ग्राम वेट होगा तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा m अपॉन Na ठीक है तो अगर एक मोल एटम का वेट मॉलिकुलर वेट के बराबर है तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा एम अपॉन एन ए दिस इज सिंगल एटम ठीक है इस चीज को यहां रख दीजिए क्या आ जाएगा मैं यहां पे डेंसिटी निकाल सकता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू वन इन टू वन इन टू मास ऑफ सिंगल एटम को क्या लिख सकते हैं एम अपॉन एन ए ए क्यूब ठीक है एक क्यूब लिखा जा सकता है तो ये एक सिंपल क्यूबिक डेंसिटी आ गई डेंसिटी का मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकता हूं वन क्या है यहाँ पे वन हमारा यहाँ पर z है ठीक है z है तो वन हमारा z है तो इसको क्या लिख सकते हैं इस डेंसिटी को z सकता है इसकी डेंसिटी हो जाएगी ठीक है तो हम लोगों ने इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का छह चीजें सीखी आज डेफिनेशन रेडियस z इसका वन होता है कोऑर्डिनेशन नंबर अक्सर एक ही चीज पूछी जाती है नियरेस्ट पर हमने ना सिर्फ नेक्स्ट नियरेस्ट निकाला बल्कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट का भी क्या किया कैलकुलेशन किया ठीक है इसके अलावा हम लोगों ने पैकिंग पैकिंग फ्रैक्शन निकाला फ्रैक्शन क्या होता है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अवेलेबल और इसको निकाल कर हमें पता चला कि एक्चुअली इस क्रिस्टल में सिर्फ बावन प्रतिशत जगह ही भरी होती है अड़तालीस प्रतिशत जगह खाली होती है फिर हम लोगों ने डेंसिटी कैलकुलेट किया जो कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है और इससे हमें एक जनरल फॉर्मूला पता चला क्या कि डेंसिटी टू जेड इंटू एम बाई एन एन टू ए क्यूब ठीक है आइए नेक्स्ट यूनिट सेल सीखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इसको भी समझा जाए इसमें भी वही छह बातें सीखनी है हम लोगों को ठीक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पहली चीज क्या डेफिनेशन पहली चीज डेफिनेशन हो जाएगा क्या डेफिनेशन होगा आइए पहले इसको समझते हैं

दोनों भी एक दूसरे को टच नहीं करते फिर इसके ऊपर एक स्फीयर रख दीजिए है ना ऐसे जो चारों को टच करता हो चारों को टच करता और फिर इसके ऊपर भी स्फीयर्स लगा दीजिए ऐसे ऐसे जो इस तरह से हो ठीक है ना इस तरह से हो कि वो स्फीयर्स एक दूसरे को टच ना करे अब इनको आप जोड़ दीजिए स्क्वायर से कुछ ऐसा हिसाब किताब है इसको आप बॉडी

एटम एक काम और कर सकते हैं आप इसको इसको छोटा कर लीजिए आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ऐसा कुछ है ये एटम्स अगर अपनी जगह पर छोटे होने लग जाएं अगर एटम्स अपनी जगह पर छोटे छोटे हो जाएं ऐसे तो ऐसा दिखेगा एक एटम ये हो गया ठीक है दो तीन चार पांच छ सात आठ और एक एटम बीच में हो जाएगा यहाँ पे बॉडी सेंटर पे ठीक है ये ये बीच वाला एटम है इसको रेडी कर देता हूँ बॉडी सेंटर वाला एटम होगा ठीक है तो ये छोटा करने पे ऐसा दिखाई पड़ेगा ठीक तो आप क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि वन एटम एट ईच कॉर्नर दूसरी बात क्या वन एटम एट ईच बॉडी सेंटर बॉडी के बॉडी सेंटर किसे कहते हैं है ना किसी भी क्यूब के जैसे एक क्यूब है अगर है एक क्यूब अगर ये है अगर ये क्यूब है तो ये वाली जगह जो है ये, ये वाली जो जगह है ये एक बॉडी सेंटर कहलाएगा ठीक है है ना, बॉडी सेंटर, तो इस तरह का कुछ है तो क्या डेफिनेशन दे सकता हूं मैं वन एटम एट ईच कॉर्नर वन एटम एट बॉडी सेंटर तीसरी बात कॉर्नर के दोनों एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है है ना यानी कॉर्नर एटम्स कॉर्नर एटम्स डोंट टच ईच अदर कॉर्नर एटम्स डोंट टच ईच अदर और चौथी बात क्या है ना कि बॉडी सेंटर वाले एटम को आठों टच करते मैंने कहा ना नीचे चार फिर ऊपर एक रख दिया फिर ऊपर से चार ठीक है ऊपर वाले चार और नीचे वाले चार के बीच में ये बीच वाला जकड़ा हुआ है ऐसे पकड़े हुए हैं ठीक है यानी बीच वाला आठों को टच कर रहा है आठों कोने वाले को क्या कर रहा है टच कर रहा है यानी मैं कह सकता हूं बॉडी सेंटर एटम इज बाय ऑल कॉर्नर एटम्स ठीक है ऑल कॉर्नर एटम्स ठीक है तो बॉडी सेंटर वाले को हर कॉर्नर वाला टच करता है तो एक बात हो गई कि मैंने डेफिनेशन दे दिया दूसरी बात जो है वो Z की हो जाएगी Z निकाल सकते हैं तो आपको पता है कि हर कोने वाला वन बाई एट एक कोने वाला कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऐसे कितने कोने हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ठीक है एट प्लस एक बॉडी सेंटर वाला एक को कंट्रीब्यूट करता है ये वन हो जाए कैंसिल हो गया वन जेड की वैल्यू कितनी आ गई यानी मैंने देखा यहाँ पर इसके लिए z की वैल्यू 2 है यानी इफेक्टिवली इस क्यूब के अंदर दो स्फीयर्स मौजूद हैं ठीक है ऐसा लग रहा है z की वैल्यू 2 हो गए अगली बात क्या बात रेडियस की हो जाए इज बाय ऑल कॉर्नर एटम्स ऑल कॉर्नर एटम्स चीज क्या रेडियस निकाला जाए आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं एक काम करते हैं सारे एटम्स को ड्रॉ करने के बजाय कुछ चुनिंदा एटम्स ही ड्रॉ किए जाए ठीक है इसमें क्या एक तो बीच वाला बीच वाला ऐसे है और एक ये वाला जो इसको टच कर रहा होगा अब हम जानते हैं मैंने लेक्चर नंबर टू में बताया है कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो वो बॉडी डायगनल कहलाती है और कितनी होती है रूट थ्री ए ये मैंने लास्ट लेक्चर में निकाला था ठीक है और यहां से यहां तक का रेडियस कितना है आर यहां से यहां तक आर यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर मैं कह सकता हूं क्या कि फोर आर इज इक्वल्स टू रूट थ्री ए ठीक है आर 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 फोर आर इज इक्वल्स टू रूट थ्री ए यानी आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए ठीक है तो यहां पर कहीं ना कहीं मैंने रेडियस भी निकाल लिया इसका ठीक है तो तीन बातें तो हो गई डेफिनेशन हो गया z हो गया और रेडियस हो गया ठीक है डेंसिटी डेंसिटी भी हम तुरंत निकाल सकते हैं बहुत इजी है Density का क्या है z into M by Na into A cube. अभी लास्ट चीज में लास्ट टॉपिक में मैंने देखा था डेंसिटी का यह फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू जेड जेड कितना है बच्चों कितना हो जाएगा टू ठीक है जेड हो जाएगा टू इंटू एम एम क्या है एटॉमिक मास ऑफ दिस एटम इस एटम atom का एटॉमिक मास है ठीक है एम अपॉन एन एन टू ए क्यूब ठीक है नेक्स्ट चीज क्या पैकिंग पैकिंग फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे निकलेगा आपको पता है अभी मैंने लास्ट टॉपिक में बताया पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम जो कि ऑक्यूपाइड है बाय वॉल्यूम अवेलेबल ठीक है कितना वॉल्यूम अवेलेबल है आपको मालूम है इस इस स्फीयर के का टोटल वॉल्यूम क्या सॉरी इस, इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कितना हो जाएगा ये एक क्यूब और इफेक्टिवली इस क्यूब के अंदर सिर्फ दो ही स्फीयर्स हैं ठीक है दो स्फीयर्स हैं वन बाई एट करके आठ कोनों पे एक और एक उसके कहा बॉडी के सेंटर पे ठीक है तो दो दो स्फीयर्स इसके अंदर है दो स्फीयर का कितना वॉल्यूम हो जाएगा टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब लिख सकता ठीक है यानी मैं लिख सकता हूं कि पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब आर को मैं क्या लिख सकता हूं अभी अभी हमने देखा मैं आर को लिख सकता हूं रूट थ्री ए बाई फोर ठीक है तो मैं आर क्यूब कितना हो जाएगा रूट थ्री ए बाई फोर का होल क्यूब बाई ए क्यूब ठीक है ये a क्यूब यहाँ पे मैंने लिख दिया a क्यूब a क्यूब कैंसिल हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू टू इंटू फोर बाय थ्री पाई इंटू थ्री रूट थ्री बाय फोर इंटू फोर इंटू फोर ठीक है है ना और बाई a क्यूब कट गया यानी ये कुछ बचेगा ही नहीं वन बचेगा ठीक है आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फोर फोर चला जाएगा थ्री थ्री चला जाएगा ये भी चला जाएगा टू यानी फोर टूजा एट आप लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पाई रूट थ्री पाई रूट थ्री फोर एट, एट, निकल के आएगा जीरो पॉइंट सिक्स एट, एट यानी आप कह सकते हैं कि है ना अगर अ, अ, कह सकते हैं अगर इसी में आप हंड्रेड मल्टीप्लाई कर दीजिए पैकिंग फ्रैक्शन में तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकल जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वॉल्यूम अवेलेबल इन टू हंड्रेड तो ये जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आया इसमें 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आ जाएगी ठीक है कितना परसेंट ऑक्यूपेंसी है परसेंटेज ऑक्यूपेंसी आप निकाल सकते हैं इस क्रिस्टल की कितनी हो जाएगी इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 68 परसेंट और परसेंटेज वेकेंसी भी आप निकाल सकते हैं परसेंटेज वेकेंसी जो हो जाएगी वो थर्टी हो जाएगी अब मेरा जो मेन मकसद इस इस लेक्चर का है वो 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 कोऑर्डिनेशन नंबर ही है जितना अच्छा आप कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं उतना अच्छा आप इस क्रिस्टल को समझ पाएंगे ठीक है तो आइए नेक्स्ट चीज क्या कोऑर्डिनेशन Co नंबर समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखा जा सकता है टाइप डिस्टेंस नंबर और एक्सप्लेनेशन आइए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला टाइप नियरेस्ट ठीक है नियरेस्ट एक एक एटम है ये इसका नियरेस्ट एटम कौन सा दिख रहा है इसमें ठीक है तो मैं साफ देख रहा हूं ये बॉडी सेंटर वाला इसके नियरेस्ट है क्यों क्योंकि इसकी दूरी कितनी है रूट थ्री ए का हाफ आपको मालूम है कि पूरे बॉडी डायगनल की दूरी कितनी होती है रूट थ्री ए तो ये उसके हाफ पे मौजूद है यानी ये इसका सबसे नियरेस्ट एटम हो गया ठीक है और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी रूट थ्री ए बाई टू ठीक है तो नियरेस्ट एटम की दूरी है रूट थ्री ए बाई टू इस ऐसे कितने लोग होंगे बहुत इजी है इस पूरे क्यूब में ऐसा एक ही आटम है पूरे क्यूब में एक है एक कोने के अबाउट कितने क्यूब होते हैं आठ ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ चार नीचे चार ऊपर अगर एक क्यूब में ये एक है तो आठों क्यूब में क्या होगा एक एक होगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ होगा ठीक है यानी मैं कह सकता हूं कि ऐसे कितने लोग हो जाएंगे आठ कह सकता हूं वन इन

नेक्स्ट नियरेस्ट कितना कौन से लोग हो जाएंगे ये नेक्स्ट नियरेस्ट है ठीक है इसको मुझे किस तरह से करना चाहिए ठीक है 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 ना तो मैं इसको नेक्स्ट 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 नियरेस्ट 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 को ये है. की जो दूरी मुझे लग रही है वो कितनी है ए बिल्कुल है ना ए हो जाएगी ठीक है तो नेक्स्ट नियरेस्ट की दूरी जो है वो ए है अब मुझे पता लगाना है ऐसे कितने लोग होंगे ठीक है? है बहुत आसान है नेक्स्ट नियरेस्ट की दूरी ए है पता लगाते हैं ऐसे कितने लोग होंगे मुझे मालूम है ये एक एज पर एक है ये एक एज पर एक है एक कोने के अबाउट कितने होंगे ठीक है एक दो तीन चार पांच छ छो पे ये एक एक होगा मैं यहां पर तो आपकी सहूलियत के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं पर हमेशा इसको आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से निकाल सकते हैं जहां एक के लिए पता है अनेक के लिए आपने है एक्स्ट्रा पोलेट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ठीक है और ये यहाँ हो जाएगा तो मैं साफ देख सकता हूं कि अगर ए दूरी पे ये है तो ए पे ये भी होगा ये भी ये, ये भी ये भी और ये भी ऐसे कितने लोग हो जाएंगे सिक्स ठीक है सिक्स क्या एक्सप्लेनेशन होगा इसका वन एट ईच एज एंड एंड देर आर सिक्स एजेस विच पास थ्रू corner, ठीक है which पास थ्रू अ कॉर्नर ठीक है एक बात हो गई अब अगली चीज क्या अगली चीज है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ठीक है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट निकालना नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट अब कौन सा हो जाएगा हाँ, ये वाला रूट क्या टू ए ठीक है वाला नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा ठीक है अगर ग्रीन मार्कर नहीं है आप रेड जी इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक तो है तो नेक्स्ट टू कितनी दूरी पे है ये रूट टू ए रूट टू ए ये भी होगा ये भी ये भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होगा ये ठीक है ये वाला भी होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना तो खैर हमें एक 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 जाकर गिनना नहीं है ठीक है एक्स्ट्रा पोलेट करना है एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कितनी दूरी पे है रूट टू ए पे ठीक है है ना तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट की जो दूरी है वो कितनी है रूट टू ए है ऐसे कितने लोग होंगे पता लगाते हैं तो बच्चों ये एक फेस पर एक है ये एक फेस पर एक है एक कोने के अबाउट कितने फेसेस होते हैं बारह कैसे चार दीवारें दीवारों का ऊपर वाला कोना चार छतों का बीच का कोना उसके ऊपर चार छतों का क्या नीचे वाला कोना ठीक है यानी एक कोने के अबाउट फेसेस होते हैं चार छत पर ऐसे रूट टू ए हो जाएंगे चार नीचे वाली दीवारों पर रूट टू ए रूट टू ए रूट टू ए रूट टू ए हो जाएगा चार ऊपर वाली दीवार रूट टू ए रूट टू ए रूट टू ए रूट टू ए हो जाएगा ठीक है यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हो जाएंगे है ना ऐसे बारह लोग हो जाएंगे वन At each face center, one at each face center, yeah. Sorry, one at each face, sorry, one at each face, and there are 12 faces, there are 12 faces common to a corner, common to a इसके बाद आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट भी निकाल सकते हैं भी निकाल सकते हैं और उसके बाद आप next to, next to next to next nearest भी निकाल सकते हैं ठीक है ये मैंने पे छोड़ दिया है क्योंकि इतना काफी है आईआईटी में आज तक आईआईटी मेडिकल में आज तक नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट तक पूछा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट मैंने बता दिया अगर कोई नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पूछता है तो आप निकाल सकते हैं मैं आपको दे देता हूं ये बगल वाले क्यूब का बॉडी सेंटर होगा ठीक है ना ये जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होगा ये बगल वाले क्यूब का बॉडी सेंटर होगा इसमें चार एन लग जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ठीक है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ये वाला आइटम हो जाएगा जो इसका बॉडी डाइगनल पे होगा ये इसमें पांच एन लगेंगे तो मैं व्यूअर्स को यहाँ पर छोड़ देता हूँ ये सब निकालने के लिए ये बियॉन्ड द सिलेबस है ठीक है इसलिए उतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन यहाँ पे तीन एन है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट है मैंने बता दिया है ना ये जो है बगल वाले क्यूब का बॉडी सेंटर नेक्स्ट टू 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 नेक्स्ट 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 नियरेस्ट होगा और इसी क्यूब का बॉडी डायगोनल के एंड पर जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होगा ठीक है जिसको आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं आइए लास्ट चीज देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल थर्ड फेस सेंटर्ड Cubic, या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसको भी समझा जाए इसमें भी ये बहुत सिंपल है इसमें भी कुछ खास नहीं इसमें क्या होता है हर कोने पर एक एटम लगा दो ठीक है हर कोने पे एक एटम लगा दीजिए ऐसे एक दो तीन चार और इनके फेस सेंटर पे भी एक एटम होना चाहिए उसी साइज का ठीक है ना उसी साइज का एक एटम फेस के सेंटर पे भी होना चाहिए ऐसा कुछ ठीक है यानी यहाँ पे क्या अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे बना दे रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टिंग थोड़ा सा ऐसे इस साइड का है थोड़ा सा ऐसा बना दिया है ना ऐसे होंगे इस साइड ठीक है ऐसे ही इसके उसके छत पे भी चीजें ऐसे होंगी ठीक है और ऐसे एक आटम हो जाएगा इधर से तो इनका क्या डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि हर कोने पर अगर ये सब छोटे हो जाएं छोटे हो जाएं तो बॉल एंड स्टिक मॉडलिंग का ऐसा दिखाई पड़ेगा क्या हर कोने पर एक एटम ये भी ड्रॉ कर लीजिए हर कोने पर एक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है हर कोने पे एक एटम है और इनके फेस सेंटर पे भी एटम हो मतलब क्या इस सामने वाले फेस के सेंटर पे ये एक एटम ये बगल वाले फेस के सेंटर पे एक एटम छत के सेंटर पे एक एटम जमीन के सेंटर पे एक एटम इधर वाली दीवार के सेंटर पे एक एटम और इधर नहीं और ये पीछे वाली जो दीवार है ये उसके सेंटर पे एक आटम जो दिख नहीं रहा है ठीक है, है ना ऐसा कुछ ठीक है इसको आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं ठीक है तो क्या इसका डेफिनेशन हो जाएगा हम लोग डेफिनेशन दे पाएंगे डेफिनेशन हो जाएगा फर्स्ट वन एटम एट ईच कॉर्नर Second, one atom at each face center theek hai hai na face ठीक है किसकी बात की one atom at each corner, हर कोने पर एक एक atom है ठीक है हर फेस सेंटर पर एक atom है लाल वाला ठीक है हर फेस सेंटर पे एक atom है दो कोने वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते ठीक है यानी तीसरी बात क्या हो जाएगी कॉर्नर एटम्स कॉर्नर एटम्स डोंट टच ईच अदर टच ईच अदर ठीक है कॉर्नर एटम्स डोंट टच ईच अदर और चौथी बात क्या की जो फेस सेंटर वाला एटम है उसको चारों कोने वाले एटम क्या करते हैं टच करते हैं ठीक है थीके? है ना यानी फेस सेंटर एटम फेस सेंटर्ड एटम इज टच बाय

है ना वो दे आर टच्ड बाय ऑल कॉर्नर एटम्स ये फेस सेंटर वाला जो है उसको हर कोने वाला एटम उसी फेस का उस दैट फेस उसी फेस का हर कोने वाला एटम टच करता है ठीक है एक बात है ना और क्या दूसरी बात z z आ जाएगा ये कोने वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 ठीक है है ना 1/8 ऐसे कितने कोने हो जाएंगे प्लस, ये जो फेस सेंटर वाला है समझाया था कॉमन होता है तो सेंटर पे रखा एटम जो है तो एक के हिस्से में हाफ आएगा ठीक है तो एक फेस सेंटर वाला हाफ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ऐसे कितने फेसेस होंगे सिक्स यस yes. चार दीवारें एक छत एक जमीन छह फेसेस होंगे तो इंटू सिक्स हो जाएगा this is like 1 this is like 3 this is like 1 plus 3 is 4 ठीक है z की वैल्यू 4 आ गई ठीक z 4 हो गया आगे क्या z 4 हो गया तीसरी चीज है radius, आर. रेडियस r रेडियस निकाला जाए आप यहीं से देख सकते हैं यहां से आप रेडियस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे ये रेडियस आप निकाल सकते हैं या आप इसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी जो होगी ठीक है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी फेस डायगनल है कितनी हो जाएगी रूट टू लेक्चर में बताया था है ना इस फेस की दूरी कितनी हो जाएगी रूट टू ए और ये कितने रेडियस के बराबर है आर 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 और आर ठीक है आप क्या कह सकते हैं फोर आर इज इक्वस्ट टू रूट टू ए आर इज इक्वस्ट टू रूट टू ए बाई फोर यानी आर इज टू रूट टू ठीक है यानी आप कह सकते हैं आर इज इक्वल टू ए बाई टू रूट टू ये रेडियस आ गया नेक्स्ट चीज क्या नेक्स्ट चीज है डेंसिटी डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है क्या फार्मूला होता है Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब डेंसिटी इज इक्वल टू जेड कितना होगा Z होगा 4, ठीक है फोर फोर इंटू एम बायटू क्यूब ठीक है ये डेंसिटी हो जाएगी डेंसिटी निकाल लिया हम लोगों ने ठीक है अब अगली चीज क्या ए पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल आपको पता है इस क्यूब में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है लेंथ लेटू हाइट कितना हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए क्यूब ठीक और इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना हो तो बहुत ईजी है इफेक्टिवली Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी इसके अंदर कितने एटम्स है टोटल चार ठीक है चार एटम का वॉल्यूम कितना फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक है पाई क्यूब हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन <coughs> आ जाएगा फोर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर को क्या लिख सकते हैं आप इसका आर इज ए बाई टू रूट टू का होल क्यूब यानी क्यूब बाय टू रूट टू का होल क्यूब यानी टू रूट टू इंटू टू रूट टू इंटू टू रूट टू ठीक है टू टू फोर फोर है ना और रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा ये टू से कट जाएगा और फिर ये टू और ये टू भी कैंसिल हो जाएगा तो इफेक्टिवली आप देखेंगे

वेकेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 26 परसेंट हो जाएगी ठीक है तो यहां तक तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है हम लोगों ने सारी बातें कैलकुलेट कर ली डेफिनेशन देखा z देखा रेडियस देखा डेंसिटी देखी पैकिंग फ्रैक्शन देखा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जितने अच्छे से आपको आएगा उतना अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी एक क्यूब की ठीक है एक यूनिट सेल की आइए इसको देखते हैं टाइप डिस्टेंस नंबर टाइप डिस्टेंस नंबर एंड एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ठीक है आइए टाइप नियरेस्ट देखा जाए नियरेस्ट देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस एटम का देखते देखते हैं यहां देखते हैं चलिए इस एटम का नियरेस्ट जो है वो ये एटम है ठीक है ये अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसा दिखेगा एक एटम है ये इसका ये है ठीक है है ना है ना आप, आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो नियरेस्ट होगा वो ये हो जाएगा ऐसे ठीक है नियरेस्ट है ये कितनी दूरी है आप देख सकते हैं कितना रूट टू ए देखिए यहां से यहां तक रूट टू ए होता है ठीक है तो ये उसका आधा हो जाएगा रूट टू ए बाई टू रूट टू ए बाई टू यानी क्या ए बाई रूट टू ठीक है तो नियरेस्ट की जो दूरी है वो रूट टू ए बाई टू यानी क्या ए बाय टू हो जाएगी ठीक है तो मैं लिख सकता हूं नियरेस्ट की दूरी ए बाय टू हो जाएगी ऐसे कितने लोग होंगे बहुत ईजी है निकालना एक फेस पर एक है ठीक है एक फेस पर एक है ऐसा एक फेस पर एक है एक कोने के अबाउट कितने फेसेस होते हैं बारह चार दीवारें चार छत उसके ऊपर चार दीवारें सब में एक है ठीक है यानी आप कह सकते हैं ऐसे कितने लोग हो जाएंगे बारह ठीक है वन एट ईच फेस सेंटर एंड देर आर

है ना तो ये ए दूरी पे है मुझे कोई दिक्कत नहीं है पता लगाने में कि ऐसे छह लोग होंगे क्यों क्योंकि एक एज पर एक है एक कोने के अबाउट छ एजेस होते हैं छो पे ऐसे एक एक लोग हो जाएंगे ठीक है तो मैं कहता हूं सिक्स वन एट वन एट ईच वन एट ईच एज एंड वन एट ईच एज एंड एंड देर आर सिक्स एजेस विच पास थ्रू अ कॉर्नर पास थ्रू अ कॉर्नर ठीक है एक कोने से छ एज पास करते हैं और छओ पर आप देख सकते हैं एक कोने से छह एज पास करते हैं और छो पे एक एक होगा ठीक है इससे ऐसे छह लोग हो जाएंगे ठीक नेक्स्ट लास्ट चीज क्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट ठीक है, है ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट लोग कितने होंगे ये पता लगाया जाए तो आप देख सकते हैं नियरेस्ट यहां पर ये था नेक्स्ट नियरेस्ट ये है ठीक है अब नेक्स्ट टू जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा ठीक है, है ना वो आ, बगल वाले फेस का फेस सेंटर होगा ठीक है बगल वाले फेस का फेस सेंटर हो जाएगा ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट शायद ये क्या ये होना चाहिए जो फेस डाइंगनल के ऑपोजिट लेकिन ये बात गलत है है ना बगल वाले फेस का फेस सेंटर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होता है ठीक है ये ए है ये ए है तो ये दूरी आप निकाल सकते हैं कितनी हो जाएगी ये ए है ये ए है ये ए है ये ए बाई टू है और फिर ये ए बाई टू है ठीक है तो मैं ऐसा बता दूं आपको ये ए ये ए बाई टू और ये ए बाई टू ऐसा कुछ है ए A by two, A by तो कैलकुलेट कर लेंगे या मैं कर देता हूँ चलिए फर्स्ट टाइम है तो मैं कर दे रहा हूं ये ए है ये ए बाई टू है तो ये कितना हो जाएगा एक्स अगर है तो पाइथागोरस लगा दीजिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई फोर यानी कितना हो जाएगा फाइव ए स्क्वायर बाई फोर यानी इसकी दूरी हो जाएगी अंडर रूट फाइव ए बाई टू फिर ये ए बाई टू नीचे है देखिए ए ए बाई टू ए बाई टू अगर ये ए बाई टू नीचे है तो अब ये भी नब्बे है ये ठीक है आप देख सकते हैं ये जो लाइन जा रही है इसके ठीक ऐसे है मैं इससे एक्सप्लेन करता हूं ये ए ये ए बाई टू और ये ए बाई टू ये जिस आटम की मैं बात कर रहा हूं जिसको मैं next to next nearest बता रहा ये ये इसके का है। इससे ज्यादा पास है ये वाला ज़्यादा दूर है। जो face diagonal पे है, वो ज़्यादा दूर तो दूरी निकल के आ रही है रूट फाइव ए बाई टू और फिर ये नीचे जो ए बाई टू जा रहा है तो यहां से यहां तक की लाइन और इसके नीचे जाने की लाइन ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइंस ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ठीक है जैसे अगर आप ये एक डायगनल ले लीजिए और ये एक एक डायगनल एक नीचे ले लीजिए तो ये दोनों ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर है ठीक है यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ है ना आप चाहें तो इसको मिटा भी दें दें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये वाई है तो इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव ए स्क्वायर बाई फोर प्लस स्क्वायर बाई फोर ठीक है ये 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 कितना हो जाएगा? Square by ये three, ये ये हो जाएगा? जाएगा। यानी है ना? अगर आप y, y is square by two, तो वाई तो की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री ए रूट थ्री बाई टू एप यू यू आर अंडरस्टैंडिंग रूट फाइव ए बाई टू है तो स्क्वायर करेंगे तो फाइव ए स्क्वायर बाई फोर ए बाई टू है जिसका स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बाई फोर फाइव ए स्क्वायर प्लस ए रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा रूट थ्री बाई टू ए तो मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं लेकिन ये ऐसा ही हो जाएगा कितना रूट थ्री बाई टू एसे कितने लोग होंगे अभी एक जटिल प्रश्न है ठीक है, है ना कैसे क्योंकि आप इधर गए इधर इधर एक है ठीक है ऐसे ही आप इधर जाके इधर इस तरफ आएंगे देखिए बड़ा सिंपल है आप ए ए बाई टू ए बाई टू एक चलिए मैं ऐसे कहता हूं ए ए बाई टू ए बाई टू एक ए बाई टू ए बाई टू यानी इस बगल वाले का भी फेस सेंटर हो जाएगा ए बाई टू ए बाई टू ऊपर ए ए बाई टू ए बाई टू यानी जैसे ये एक स्क्वायर बना है ऐसे यहां एक स्क्वायर होगा ऐसे उसके ऊपर एक स्क्वायर होगा और एक स्क्वायर यहां होगा ठीक है अगर ए ए बाई टू नीचे गए तो ए ए बाई टू ऊपर वाले स्क्वायर का भी फेस सेंटर उतनी ही दूरी पे है ए ए बाई टू नीचे गए ये फेस सेंटर ए ए बाई टू नहीं समझ में आ रहा है ए ए बाई टू और ऊपर चले गए ठीक है जैसे नीचे गए, वैसे ही ऊपर जा सकते हैं। यानी यहां से इस एज पर ऐसे चार लोग हैं जिनकी दूरी इस एज से निकलने पर ऐसे चार लोग हैं। कुछ ऐसा है ए ये जो एज है ये एज जो है इससे जुड़ा एक स्क्वायर है ये ठीक है ऐसे ही इस एज से जुड़ा एक स्क्वायर है ये ऐसे इज एज, एज से जुड़ा एक और स्क्वायर होगा इस एज से जुड़ा एक और स्क्वायर होगा एक एज से जुड़ा एक और स्क्वायर आप ए ए बाई टू ए बाई टू यहां पहुंचे आप ए ए बाई टू ए बाई टू ये भी तो वही दूरी होगी है ना आप ए ए बाई टू ए बाई टू यहां पहुंच गए ए ए बाई ए बाई टू ऊपर चले जाए चार ठीक है यानी एक एज से जाने पर ऐसे चार लोग मिल रहे हैं तो एक कोने के अबाउट कितने एजेस होते हैं सिक्स ऐसे सिक्स एजेस होंगे हर एज पे चार है तो छह एजेस पर कितने हो जाएंगे सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर बिल्कुल ठीक है सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो ये इसको शब्दों में लिख पाना बड़ा मुश्किल है किसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए है ना पर एक एज पर चार हैं, आप देख सकते हैं फोर एट फोर अलोंग ईच एज अलोंग ईच एज एंड देर आर से एक एज के अलॉन्ग चार ऐसे लोग मिले मुझे तो ऐसे ही चार उधर मिलेंगे एक उधर मिलेंगे चार इधर चार ऊपर चार नीचे चार ठीक है कितने हो जाएंगे एंड देर आर सिक्स देर आर सिक्स एजेस विच पास थ्रू अ कॉर्नर यानी ऐसे कितने लोग हो जाएंगे हर एज पर चार और एज है यानी क्या ट्वेंटी फोर ठीक है तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फोर सो लेडीज एंड इस लेक्चर में इतना ही काफी काम किया हम लोगों ने हम लोगों ने तीनों क्रिस्टल्स के यूनिट सेल्स समझे तीन तरह के यूनिट सेल समझे सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और क्या फेस सेंटर्ड मिलते हैं अगले लेक्चर पे और जितना इस लेक्चर में सीखा है इसके ऊपर सवाल करते हैं क्वेश्चंस करते हैं थैंक यू सो मच